जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट वोट डालने पहुंची है। विनेश फोगाट ने कहा, मतदान बहुत बड़ा उत्सव है, पूरा हरियाणा मतदान करने जा रहा है। मैं एक उम्मीदवार होने के नाते सभी से अपील करती हूं कि अपने घरों से निकलकर मतदान करें। नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, चिंता का विषय है। हम 5 साल दिन रात काम करके अपने दायित्व को निभाएंगे। और बड़ा दिन है आपके लिए, कैसे आज के दिन को आप स्पेशली देख रही हैं, क्योंकि आपके लिए लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक उम्मीद नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं खासतौर पर, क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीतती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था। और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें, हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी, क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ, हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं। और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है, और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है, और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं, क्या आपको ये उम्मीद है, क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़, मेरे हाथ में इतना है मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं, बाकी जो भी आगे की जो चीजें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी, वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आला कमान का होता है, चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है।